हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कोई सीमाएँ तो है नहीं, जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते भी ठीक है, और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, ते मैं बलविंदर बिट्टू। पराली नूं अग लाउण दे नाल वातावरण प्रदूषण हुंदा जा रहा है, ते जिहदे चलदे आ इक सूबा दूजे सूबे दे उत्ते इल्जाम लगा रहा है, जिहदे चलदे आ हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर वल्लों कहा गया है कि प्रदूषण दा हल करना चाहीदा है, ते जिहड़ा वातावरण प्रदूषण हो रहा, साडी सब दी जिम्मेवारी बणदी आ असीं उस वातावरण दी सांभ संभाल करिए, ते जिहदे चलदे उहनां कहा कि इन्हां मामलों दे उत्ते राजनीति नहीं करनी चाहीदी। असीं मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते अरविंद केजरीवाल कहेंगे भी प्रदूषण के उत्तर पकड़ बनाई जाए। आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कोई सीमाएं तो है नहीं, जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम उसको मिलकर के उस समस्या का समाधान करें, और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है, और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं। अब देखिए ना, जितना ज्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है, उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं कई जगह, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है, तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं, तो ये ना करें। सो दूजे पासे हुण वेखना होवेगा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे इस बयान नूं लैके किस तरह जवाब दिता जांदा है, तुहानूं समय दसेगा। कैमरामैन गुरप्रीत दे नाल मैं बलविंदर बिट्टू, तुसीं देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।